म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमाना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर मेरे पास दो एग्जांपल हैं, जहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले वाले एग्जांपल में आप लोग 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपको 12% के रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, लेकिन वहीं पर सेकंड एग्जांपल में आप लोग 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन यहां पर आपको 17% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। और देख रहे हो दोनों के बीच के रिटर्न्स का डिफरेंस कितना है, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे तो आप लोगों को बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको 15-18% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, लेकिन आप मार्केट की म्यूचुअल फंड की स्कीम जितनी भी अवेलेबल है वहां पर आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम 12% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके मिलते हैं। लेकिन अगर आपको आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर 18% या 17% के आसपास के रिटर्न कमाने हैं जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर आप इन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर 17% के आसपास के रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज जिसका इस्तेमाल करके आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज के वीडियो के किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेटजी तो यह है कि जब भी मार्केट में क्रैश आता है तब आपने जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की है उन म्यूचुअल फंड्स की स्कीम को अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ कंपेयर करना है, अदर म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के साथ कंपेयर करना है। फॉर इंस्टेंट आप लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और मार्केट की गिरने की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेट्स से मार्केट में डेट म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको उस टाइम पर अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। जब भी मार्केट में क्रैश आता है तो सबसे पहले आपको खुद से सवाल करना है कि जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर आपको आने वाले 6 महीने में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके सवाल का जवाब नो है तो आपको किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिले, क्योंकि ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैक्सिमाइज करना। अगर आप लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तब आप लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड या और किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में। इसकी वजह से आपके रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब भी मार्केट में क्रैश आता है तो लोग अपने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं कि अगर मार्केट और ज्यादा क्रैश हो गया तो हमारे इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का लॉस हो जाएगा, हमें बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आप लोगों को शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व कभी नहीं करना है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और आप लोग शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशंस को देखकर इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉप करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म का जो गोल है वो फुलफिल नहीं होगा। तो जब भी मार्केट में क्रैश आता है और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरती है या फंडामेंटली स्ट्रांग म्यूचुअल फंड्स की एनएवी कम होती है तब यहां पर बहुत ही सही टाइम होता है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न तो मैक्सिमाइज होते हैं लेकिन यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी यह है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखनी है। इसके अलावा स्ट्रेटजी नंबर 3 यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा पे करना पड़ता है लेकिन एक्सपेंस रेशियो पे करने के बाद भी जो आपको रिटर्न मिलते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं। और अगर आप लोग इंडेक्स के रिटर्न को कंपेयर करेंगे तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर काफी बार इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। और अगर आप लोग इंडेक्स फंड में या इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और तो और अगर आप लोगों ने किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मतलब यह है कि आपने इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप लोग इस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो में ग्रोथ दिखाई देगी। अब स्ट्रेटजी नंबर 4 यह है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। आपको आपके म्यूचुअल फंड का एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जहां पर मार्केट अगर क्रैश भी होता है तब यहां पर मार्केट की नेगेटिव सिचुएशन का इंपैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। मतलब आपको डिफेंसिव टाइप का पोर्टफोलियो बनाना है जहां पर मार्केट अगर बुल रन में है तब आपको अच्छे रिटर्न दिखाई देंगे लेकिन जब मार्केट बियरिश फॉर्म करेगा तब यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी मार्केट में क्रैश आता है तो डिफेंसिव स्टॉक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं गिरती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को 1 साल हो जाता है तो आपको आपके म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट्स को इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना है और 7 डेज के बाद फिर से इन्वेस्टमेंट करना है। अब आप लोगों के दिमाग में शायद कंफ्यूजन होगी कि 7 डेज के लिए विड्रॉ क्यों करना है। देखो हर साल ना जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तब यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आपको 1 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक का होता है तो यहाँ पर आपको टैक्सेस नहीं लगते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर आपको 28 लाख रुपीज तक की इनकम आती है, मतलब 28 लाख रुपीज तक का प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म में, तो आपको आपके प्रॉफिट के विड्रॉवल के टाइम पर 28 लाख रुपीज पर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 1 साल में 1 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट विड्रॉ करते हैं अपने प्रॉफिट में से तब यहाँ पर आपके 10 लाख की सेविंग हो जाएगी, आपको 10 लाख के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। अगर आपको टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप इन सारे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर अराउंड 17% के रिटर्न्स आराम से जनरेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।
नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।